डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं हम लोग। तो 8.4 के क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सॉल्यूशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सरसाइज 8.4 है दोस्तों, एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। बोल रहे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी विकल्प खाली चुन नहीं देना है याद करके कि हाँ तीसरा के चौथा के पहला का ए ऑप्शन होगा इसका, तो नहीं, आपको पुष्टि करना है। पुष्टि का मतलब उत्तर देना है कि आखिर वही क्यों आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चौथा का जो पहला क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है, भाई देख लो, 9 sec² a - 9 tan² a का मान यहां पे सॉल्व करना है दोस्तों। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है भाई? तो 9 कॉमन है, 9 कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा sec² a - tan² a, बचेगा ना। हम लोग फार्मूला में पढ़े थे इसीलिए आपको बोले होंगे कि जितना भी फार्मूला है भाई उसको एकदम नोट करके ना उसको रट जाना है। देख लो क्या फार्मूला है, sec² θ - tan² θ का वैल्यू होता है 1। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब sec² और tan² तो रहना चाहिए माइनस में, sec² पहले होना चाहिए, tan² बाद में होना चाहिए, लेकिन θ θ भाई दोनों सेम होना चाहिए। देख लो a और a सेम है और बीच में माइनस होना चाहिए, इसीलिए दोस्तों यहां पे हम इस पूरे की जगह पे कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, यानी कि 9 × 1। तो हम लोगों को कितना आंसर आ गया, ये 9 है ना, और यहां ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू, तो 9 × 1। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी, डी ऑप्शन में 9 ही सही आंसर है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा का सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। 4 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जरा देखिएगा। 1 tan a + tan a है भाई, यानी tan थीटा है, तो कभी थीटा लिखा है कभी a लिखा है, तो उससे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। कुछ भी दे एकदम अपने आप को अडिग रखना है, थीटा बोलेगा थीटा लिखेंगे, थीटा में आंसर देंगे, a बोलेगा a में आंसर देंगे, ठीक है। cosec थीटा लिखा हुआ है, ये आपके क्वेश्चन है, बोल रहा है इसको आप सॉल्यूशन करो। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या है, 1, तो 1 लिखेंगे और ब्रैकेट दूसरा वाला क्या है, 1 cot θ - cosec θ। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि आपको अगर गुना करना होगा 3-3 का हो या 4-4 को है, सबसे पहले ये वाला 1 लिखिए और दूसरा वाला पार्ट को, ये वाला दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है, तो पहला वाला पार्ट का 1 लिखेंगे तो दूसरा वाला का टोटल लिख दिए। फिर क्या करना है, अब पहला वाला का पहला तो हो गया, अब दूसरा में क्या है, tan θ, तो इसको tan θ लिखेंगे, फिर से दूसरा वाला को पूरा उतारेंगे, 1 cot θ - cosec θ, फिर दूसरा भी हो गया, अब पहले पार्ट का तीसरा क्या है, प्लस में sec θ, तो प्लस देंगे sec θ, फिर से दूसरा वाला को पूरा को उतारेंगे, यानी कि 1 cot θ - cosec θ, ठीक है।
अब क्या करो भाई, तो आप तो जानते होंगे कि इसको बारी बारी से सबसे गुणा किया जाता है, तो वन को गुणा वन से गुणा करेंगे वन, वन को कॉट थीटा से गुणा करेंगे कॉट थीटा, वन को कॉसेक थीटा से गुणा करेंगे माइनस कॉसेक थीटा, टेन थीटा को वन से गुणा करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा को कॉट थीटा से गुणा करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस माइनस माइनस, यहां है टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, फिर यहां पे प्लस सेक थीटा को वन से करो भाई, सेक थीटा को कॉट थीटा से गुणा करो, क्या बनेगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस होता है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना हो गया। चलो भाई आगे देख लेते हैं हम लोग ये कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब एक बात करना है, हम लोग जो फार्मूला सीखे हैं, क्या फार्मूला सीखे भाई, एक फार्मूला सीखे, वो फार्मूला क्या जरा देख लो, जहां कहीं भी कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है उसके जगह पे तो कॉट थीटा लिखते ना भाई, देख लो ये भी फार्मूला है, आपको याद दिलाते हैं, कॉस में अगर साइन से डिवाइड किया जाता है तो क्या मिलता है, क्वार्ट मिलता है दोस्तों। उसी तरीके से साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते तो टेन थीटा मिलता है, मिलता है ना, पक्की बात, ठीक है। तीसरी कहानी कि कॉसिक थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं वन बटा में साइन थीटा, देख लो ये सभी फार्मूला लिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, एक और यूज कर सकते हैं फार्मूला, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं वन बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलो अब हम इसी फार्मूला को आपको हम दिखा दिए, याद दिला दिए कि कौन कौन सा फार्मूला यहां पे लगा रहे हैं। ये वन है ना भाई, तो वन को वन लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फिर प्लस है, प्लस डाला, कॉट थीटा है भाई, ये क्या है कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, तो इसको लिख दिया कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर माइनस तो माइनस, ये कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा का फार्मूला वन बटा साइन थीटा रख सकते हैं, रख दिया, फिर प्लस तो प्लस, इस बार टेन थीटा है तो टेन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे भाई, तो टेन थीटा के जगह पे साइन बटा में कॉस, यानी कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और फिर प्लस प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। दोस्त ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, कहां लिखे इसको, यहां पे लिख देते हैं कि टेन थीटा लिख रहा है ना भाई यहां पे, हाँ टेन थीटा को अगर कॉट थीटा से गुना किया जाता है तो वन आता है, ये बिल्कुल एक रूल है, ठीक है, ये रूल सही है, ये भी फार्मूला है कि टेन रहना चाहिए, दूसरा कॉट रहना चाहिए, बीच में गुना होना चाहिए और दोनों का थीटा थीटा होना चाहिए, थीटा थीटा मतलब दोस्तों एंगल सेम होना चाहिए, तो इसका नंबर आया तो इसके जगह पे वन लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस लिखा, समझ रहे हो ना, सब एक ही साथ में है, मेरे पास जगह नहीं है तो फिर हम वापस यहां से जा रहे हैं, ठीक है, माइनस, इस टेन के जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, तो इस टेन के जगह पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर इंटू है इंटू डाला, कॉसेक थीटा वन बटा साइन थीटा, उसका कहानी खत्म वहां तक। चलो अब यहां से चलते हैं, प्लस है सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिखना है भाई, देखो इसी बोलते हैं ना दोस्त, आप याद रख लो फार्मूला, प्लस दूसरी चीजें होती है क्या, ये पहली बार आपको मिल रही है ना पढ़ने के लिए, हार्ड लगेगा नो डाउट,
लेकिन अब इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तब चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ sec थीटा है, तो sec थीटा का फार्मूला देख लो भाई, 1/cos थीटा, फिर बीच में इंटू है, इंटू दे दिया, cot थीटा है तो इसको चेंज करके लिखा cos θ/sin θ, फिर माइनस तो माइनस, sec थीटा तो sec को चेंज करो cos θ, 1/cos θ इंटू इंटू cosec, तो ये हो गया 1/sin θ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना दोस्त? नहीं। चलो फिर हम लोग कैसे करेंगे उसके नीचे जरा देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि कुछ कट भी रहा है क्या, तो जी हाँ, sin θ/cos θ और यहाँ गुना है, तो नीचे वाला साइन ऊपर वाला साइन के साथ कट गया, यहाँ पे भी बीच में गुना था तो cos θ/cos θ के साथ कट गया, तो कुल मिलाकर अभी हमें बन क्या रहा है, तो ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ दो ना भाई, कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, तो प्लस में बच रहा है cos θ/sin θ, माइनस 1/sin θ, प्लस sin θ/cos θ, ठीक है, और ये 1 तो ऐड कर दिया ना भाई, यहां पे क्या बच रहा है, तो माइनस में बच रहा है 1/cos θ, यहां पे प्लस में है 1/cos θ, ठीक है, और यहां पे प्लस में बच रहे हैं 1/sin θ, ठीक है, और माइनस 1/cos θ/sin θ, लिख सकते हैं ना, दोनों एक ही नीचे ही है, 1 को गुणा किया 1 cos θ sin θ। अब आप देख पा रहे होंगे, फिर से देख पा रहे होंगे, तो आपको चीजें पता चल रहा होगा, वो क्या पता चल रहा है पता, तो पता यही चल रहा है कि 1/sin θ माइनस है, 1/sin θ प्लस है, तो एक प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1/cos θ के आगे माइनस है, 1/cos θ के आगे प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब बच क्या रहा भाई, अब बच क्या रहा, तो अब हम लोगों को बच रहा ऐसा कुछ, 2 cos θ/sin θ/sin θ/cos θ, ठीक है, माइनस यहां पे 1/cos θ/sin θ, ठीक है। अब क्या करना भाई, देख लो, अब करना क्या, तो अब एक ही चीज करना, 2 को छोड़ दियो, नीचे साइन cos θ/sin θ है, तो आप इसका एलसीएम ले लो, सिंपल वे में बच जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, नहीं तो सबका भी एलसीएम आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट है 2 उसको छोड़ देंगे तो ही अच्छा है। देख लो आप, यहाँ पे 2 को हम लोगों ने 2 स्पेशल छोड़ दिया, अब इसका नीचे को देखो और आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने एलसीएम क्या लेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे दोस्तों sin θ/cos θ, एलसीएम होगा, तो ये साइन से साइन कटेगा तो कॉस बचेगा, और कॉस को कॉस से गुणा करेंगे cos²θ होगा, फिर बीच में क्या है प्लस देंगे, इस बार cos θ/cos θ के साथ कटेगा तो साइन बचेगा, और साइन को साइन से गुणा करेंगे sin²θ, और यहां क्या है माइनस, ये cos θ/sin θ तो एक ही बार में कट गया ना भाई, और एक को एक से गुणा करेंगे 1, तो कुल मिलाकर बन क्या रहा है 2+। हम लोग तो लाइफ में बहुत बार अभी तक ये यूज किए कि sin²θ cos²θ अगर प्लस में रहेगा तो उसके जगह पे हम 1 रख सकते हैं, मतलब 1 माइनस 1 बटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टू है, फिर प्लस है, और वन में से वन गया कितना हुआ जीरो, बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम कई बार बता चुके हैं दोस्तों कि ऊपर अगर जीरो रहा, नीचे कोई संख्या रहा तो वो हमेशा जीरो आता है। नीचे कोई भी संख्या रहे, अगर ऊपर जीरो हो गया तो जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे टू प्लस जीरो हुआ, तो इस तरीके से हम लोगों को करेक्ट आंसर क्या होगा, टू होगा। तो इस तरीके से अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन हम लोगों को दिखा रहा है जीरो, दूसरा दिखा रहा है वन, तो इस तरीके से तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर करेक्ट इज सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर का टू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको दो तीन बार रिवीजन कर लीजिएगा खुद से भी बनाकर, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। खासकर ये ट्रिगो जो है ना, लाइफ की पहली बार क्लास टेंथ में ही मिलती है पढ़ने के लिए, सबसे बड़ी बात है। पूरे लाइफ में ये जो चैप्टर है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, आप जिंदगी में जो पहली बार सुनते हैं ना, वो क्लास टेंथ में ही सुनते हैं। ठीक है, पूरे जिंदगी का, इसलिए ये दोस्तों हार्ड लगता है, क्योंकि नेचर का नियम है ना कि अगर लाइफ में कोई भी नई चीजें मिले ना, वो हार्ड लगता ही लगता है। जब तक तब तक हार्ड लगेगा जब तक कि आप उनको बार 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 प्रैक्टिस ना कर लें। जैसे कि लाइफ के फर्स्ट टाइम आपको क ख ए बी सी डी मिला होगा, बहुत टफ लगता होगा, शायद आपको लिखने भी नहीं आ रहा होगा। घर में लोग ना उसको हाथ पकड़कर और ए लिखवा रहे होते हैं, क लिखवा रहे होते हैं, सोचो। फिर अभी आपको क लिखने में प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि कितनी बार न जाने कितनी बार आपने क लिखा होगा, एबीसीडी लिखा होगा। तो यही बात है यार लाइफ का, कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, हम अगर एक बार कोई क्वेश्चन को बता रहे हैं तो आपको हार्ड लगेगा, बेसिकली एकदम परफेक्ट है। कितना भी आप टैलेंट हो मैथमेटिक्स में, कितना भी तेज हो ना, ये लाइफ की पहली बार तुम सुन रहे हो ट्रिगो, लाइफ में पहली बार सुन रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा, लाइफ में पहली बार साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड इतनी सारी फार्मूला तुमको मिल रहा होगा, और ये आपको किचिर किचिर लग रहा होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा क्या है ये सब है, और बहुत बढ़िया चीज है। ऐसी चीज है ना कि आपको आने वाले टाइम में अगर आप मैथ से पढ़ते हो तो यार ये पेड़ का जड़ समझते हो ना, आधार वही है। इसलिए आप जो है ना इनको अभी से मजबूत करो। ट्रिगो यार तुमको क्यों हार्ड लग रहा है एक्चुअली, इसलिए कि ढेर सारा फार्मूला है, इसलिए कि पता ही नहीं चलता कि हम लोग कौन से फार्मूला कहां पे यूज कर लेते हैं, इसीलिए हार्ड लगता है। आप उनको बार बार रीयूज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला चलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है हम लोगों को, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग टू को देखे, सेम थिंग्स हम लोगों को क्वेश्चन नंबर थ्री में भी है कुछ इस तरीके का। सेक ए, यहाँ पे ए बोल रहा है, थीटा नहीं बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं। सेक ए प्लस टेन है भाई, देख लो अगर हमें थीटा दिया रहेगा तो थीटा लिखेंगे, ए लिखा रहेगा ए लिखेंगे, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर है यहाँ पे वन माइनस साइन, भाई तुम तो गुणनखंड सीखे होगे ना, गुणनखंड वही कहानी यहाँ भी है। हम करेंगे क्या, दो पार्ट है, ये है मेरा फर्स्ट पार्ट और ये है मेरा सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का पहला में क्या है, सेक ए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का पहला में क्या है, सेक ए, और दूसरा पार्ट क्या है, वन माइनस साइन है, उसको लिख दिया। पहला का पहला वाला लिखा और दूसरा का टू दी पॉइंट वही लिख दिया, फिर प्लस यहां पे है टेन ए, क्या है टेन ए, और ब्रैकेट में वन माइनस साइन है। ठीक है,
लिख रहा ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यानी कि एक्चुअली हम लोग गुणनखंड ऐसे ही करते हैं, इसको लिखा फिर दोबारा दूसरे वाला को फिर से लिखा, टेन ए को लिखा फिर दूसरे वाले को पूरा का पूरा लिखा। सेक ए को वन से मल्टीपल करेंगे क्या मिलेगा, सेक ए प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब सेक ए को साइन से मल्टीपल करेंगे तो सेक ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब यहां पे प्लस है यहां पे वन है तो प्लस, टेन ए को वन से मल्टीपल करेंगे तो टेन ए, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, टेन ए को साइन ए से मल्टीपल करेंगे तो टेन ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाते हैं दोस्तों। सेक थीटा का होता है वन बाई कॉस थीटा, तो यहां सेक ए है तो इसको लिख दिए वन बाय कॉस ए, ये फार्मूला पे माइनस तो माइनस। अब यहां पे देख लो क्या है, ये क्या है सेक ए है तो सेक ए को आप चेंज कर लो तो क्या मिलेगा वन बाय कॉस ए, और इंटू है तो इंटू रख देंगे, और साइन ए है तो इसको साइन ए को साइन ए ही रख देंगे। सिर्फ सेक ए को यहां पे चेंज किए हैं, क्या होगा वन बाई कॉस ए, साइन ए है तो साइन ए रख देंगे, प्लस टेन ए है तो टेन कब होता है जब साइन बटा कोस होता है, उसको हम लोग टेन बोलते हैं। तो इस टेन ए को क्या बोल देंगे, इस टेन ए को बोलेंगे साइन ए बटा में कॉस ए, ठीक है, माइनस माइनस। यहां पे हम लोगों को टेन ए इंटू साइन ए, तो टेन ए को फिर से आप लिखिए साइन ए बटा कॉस ए और फिर से इंटू साइन ए। आप इसको अच्छे से लिखिए, इस बार वन बाई क्या हुआ कॉस ए, और माइनस साइन ए को वन से मल्टीपल करेंगे तो साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, साइन ए बटा कॉस ए। फिर से प्लस यहां पे क्या हुआ तो साइन ए बटा में कॉस ए, और माइनस ऊपर ऊपर का ऊपर ऊपर से मल्टीपल करते हैं क्या बनेगा भाई साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए बनेगा। देख लो साइन ए को वन से गुना किया साइन ए और नीचे में कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए तो पहले से ही है, साइन ए को साइन से गुना किया साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है दोनों कट गया, यहां पे क्या बच गया वन बाई कॉस, यहां पे क्या बच गया माइनस साइन स्क्वायर बटा में कॉस ए, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं हम लोग क्या मिल रहा था। तो यहां पे हम लोगों को एक चीज मिल रहा है वन बटा कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। अब देख लो भाई कॉस और कॉस का एलसीएम कितना होगा, कॉस ए होगा, कॉस ए से कॉस ए एक बार में कटेगा तो यहां एक लिखेंगे, माइनस कॉस ए से कॉस ए एक बार में कटेगा एक को साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब फार्मूला पता है ना, हम लोग कॉस थीटा को वन माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखे हैं, लिख सकते हैं कब, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिखते हैं फार्मूला पर। तो इसका उल्टा देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या कॉस ए, तो ये कॉस ए दो ठो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए और बटा में एक ठो कॉस ए, एक से एक कट गया क्या बच गया कॉस ए। दोस्तों बहुत सिंपल है लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
तो एक क्वेश्चन इसका बच गया है चौथा का चौथा नंबर, ठीक है। तो चौथा के चौथे नंबर वाले दोस्तों उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।